इसका जादू सर चढ़कर बोलेगा। और आज सबसे पहले स्वागत हमारी चार सेमीफाइनलिस्ट जोड़ियों का। A huge round of applause for Rajiv and Kamya. Bharti and Abhishek. छा चुकी चार सबसे बेस्ट जोड़ियां और ये चारों जोड़ियां कॉमेडी के ग्रैंड फिनाले से सिर्फ एक कदम दूर हैं। A huge round of applause for our semi-finalists! अब आप सब एक दूसरे को हराने के लिए और इंडिया को हंसाने के लिए तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके मुकाबले का मेला लगाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। ले जाने से पहले आज हमारी जोड़ियां आपको लेकर जाएंगी हंसी के मेले में, हमारे मेला स्पेशल में। और मेले में सबसे पहले स्वागत होता है मुखिया का, हंसी के गांव की बिन मूछो वाली सरपंच अर्चना पुरन सिंह। और बंदूक की तरह चलती है इनके कमेंट्स की गोली, पंडित धर्मानंद जैसे इनकी सटीक बोली। A huge round of applause for शेखर सुमन। चलिए अब आपको मेला घुमाने ले जाती हूँ, हमारे पहले जोड़ी से मिलाती हूँ। मेले में हो गया है सॉलिड झमेला, जूते खरीदने आ गई है पैमला, लेकिन जूते बेचने वाला है इतना थकेला कि हॉट हॉट लड़कियों के बाद भी रह गया है बिल्कुल अकेला। प्लीज वेलकम राजीव एज जूते वाला एंड काम्या एज वेरियस कस्टमर्स। मैंने ना मेले में बहुत दुकानें लगाई, सब में नुकसान हुआ मेरा, लेकिन मैंने अब एक ऐसी दुकान खोली है जिसमें ना परचेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस जाओ और बोल दो हेलो डार्लिंग। चलती खंडाला। सिर्फ बेचने हैं, अब खरीदने की टेंशन कोई नहीं है। मैंने तो सुना परमीत ने भी ऐसी दुकान खोली थी बदमाश कंपनी में, एक साइड के जूते हो गया, एक साइड से लड़कियां छेड़ता था। नहीं नहीं, उसको बोल दो शेखर से ट्यूशन रख लो, लड़की 6-7 साइड से सीख नहीं सकता पूरा। जे जूतियां ले लो, जूतियां ले लो। अंकल अंकल बधाई हो अर्चना जी, आज टी शर्ट पहन के आए फिर भी उनको अंकल बोल रही है। ए बुड्ढे, नंबर कटवाएगा मेरा उनकी फोन से? अच्छा। तुझे बोला अंकल? मुझे ही बोला अंकल, मैं क्या तेरे बाप के कच्चे शेयर करता रहा हूँ? बाप है मत जा। ये देख लो, जब से बिग बॉस में डॉली बिंद्रा आई है ना, बाप का नाम ले लो हर औरत भड़क जाती है। हे, जमीन पे पटक के उस जगह उंगलियां घुसाऊंगी ना कि जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। साली सीधी सीधी बोल सकती, आंखें फोड़ दूंगी, हमेशा मेरा गलत रिएक्शन दिला देती है। चल बता तेरे पास क्या है। आए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस इस उम्र में अब चलता ही नहीं है। अबे दो ट्रक नहीं चलते अब इस उम्र में मुझसे। दो दो मुर्गियां रखी हैं, बस उन्हीं से धंधा कराता हूँ। मुर्गियों से धंधा करवाता है? तो क्या इस उम्र में नोकिया के चार्जर किराए पे देने शुरू कर दूं? अबे बेचने के लिए क्या है, बेचने के लिए? तू मान जा, मैं तो खुद बिकने को तैयार हूँ। अबे
मैंने जूते निकाल के मारना है तुझे। हाय काश आज तूने पैर में चोली पहनी होती। शेखर जी सिर्फ आपके लिए। मेरा कोई लालच नहीं है, सिर्फ नंबरों की खातिर। अबे ठरकी बुड्ढे, ये मेले में कौन सी दुकान लगाई है, उसमें क्या बेच रहा है वो पूछ रही हूँ। हाँ तो ऐसे इज्जत से पूछना। फिर बताऊंगा, जूतियाँ बेचता हूँ। तो पहना के दिखा। अरे उसके लिए तो माप लेना पड़ेगा। अरे ये पैर के लिए पेट क्यों माप रहा है? अरे पेट से पता चलेगा ना कि पांव भारी है कि नहीं है। चल प्यार कर, प्यार कर। जो काम करने आया वो करता नहीं है। शेखर जी आपका भी दिल कर रहा होगा, जाती की बजाय जुतियां देता अच्छा था। कोई जुती बड़ी है, पांव तेरा छोटा है, पांव भारी करना पड़ेगा। साले बुड्ढे अपनी उम्र देख, शर्म नहीं आती लड़की से ऐसी बातें करते हुए? देखो क्या है, कौन रहा है, शर्म नहीं आती। ओए तेरा तो मुंह खुद डबल मीनिंग जैसा है। इसके मुंह में वेज सब्जी रख दो, नॉन वेज होके बाहर आती है। मैंने तुझे ना इस जमीन पे पटक के ना वो जगह बंद कर दूंगी कि कभी जिंदगी में सुन नहीं पाएगा। एक तो इतना गलत बोल दिया, फिर गलत रिएक्शन दिलाती है, बाद में लोग कहते हैं गंदा हो गया। सच्ची बता रहा हूँ, मैं ऐसे पूरे कपड़े पहना के लाता हूँ हर जगह पे, खुद ही कपड़े काट के आ जाती है। फिर सच्ची बता रहा हूँ शेखर जी, ऐसी शायरा होती है, स्कर्ट दिखा के बिना शेर सुनाए वावा लूट के ले जाती है। तू क्या हंस रही है, तू पूरे कपड़े पहन के आती? ओए होए होए इधर देखो, चूड़ीदार पहन के आई, टांगे फिर दिख रही है। ओए शर्म यानी है, इतनी प्रॉब्लम है, जब तक ये मुंह ना दिखाए ना इसकी वैल्यू नहीं पड़ती। आज मुझे पता चला असली फेस वैल्यू कौन सी है। पर आज मैं यहाँ पर अपना माल बेच के ही रहूंगा। अनीता ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट। ओह वाओ, ब्यूटीफुल इंडिया, ओह हैंडसम बॉय। तू नाइजीरिया की अंग्रेजन है, तुझे वो हैंडसम लग रहा है तो शेखर जी आप पे तो कत्ल केस पढ़ना है, आपको तो देख के इसने मर जाना है। ओह हु आर यू? मी ग्रीडी डॉग, वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ही वाज वेरी वेरी थर्स्टी, योर्स ऑबिडिएंटली, नो नो स्मोकिंग, गोल्ड स्पॉट, लीलावती हॉस्पिटल, वन फोटो खींचिंग। ओह फोटो फोटो, या वाओ, show how I came. You came? Yeah, yeah. Good, good. Oh, यह क्या हो रहा है? साल ये फोटो तू खींच रही है, पूछ मुझे नहीं ये क्या हो रहा है? ये this is a मेला. Oh, yeah. मेला. Yeah. इनसे का मेला बहुत हरा भरा होता है. और अंग्रेजों का पामेला बहुत हरा भरा होता है. You who गरीबों के पामेला. तुम हमारा सीरियल देखता है? हाय अब गंदा सीरियल कौन मिस करता है? तुमको हमारा एक्टिंग कैसा लगता है? एक्टिंग पता नहीं है, पर जब तुम दौड़ के आता है तो तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा लगता है। माइंड ब्लोइंग। What challenge are you talking about? When someone dancing, English नहीं आती। तुमको English नहीं आता, हमारा serial कैसे देखता है? तुम्हारा serial देखने के लिए English की क्या जरूरत है? बल्कि जिसको English नहीं आती वो ज्यादा enjoy करता है। शेखर जी हम लोग तो how do you do का भी गंदा meaning निकाल लेते हैं। कैरी आओ कोने में चलें। ओ कोना, I like it, I like it। तुम यहाँ क्या बेच रहे हो? हम यहाँ पर जूतियाँ। ओ जूतियाँ। मैंने तुझे कहा था तू ये डायलॉग नहीं बोलेगी। ओ अब अंग्रेज बना है तो ऐसे ही बोलेगा? साली ये तुझे अंग्रेज ना भी बनाते तूने तब भी ऐसे ही बोलना था। एक तो तू कामया, ऊपर से तुझे पमेला बना दिया, ऊपर से तू बिग बॉस से आई है और ऊपर से कर अर्चना के सामने रही है। अच्छा मेरे ऊपर। तुम हमको तुम्हारा फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली? आई हैव वन यंग बाप,
he shaheed ho gaya. What shaheed? Oh, he was an army man? No, he was a ladki man. Ladkiyon se chitr kha ke shaheed hua tha. एक बार इतना इज्जत वाला आदमी है, लड़की नंगे सर जा रही थी, अपनी धोती उतार के उसके सर पे रख दी, लड़कियों ने छत्तर मार मार के मार दिया, नंगी मुर्गी देख के उसको कहते रहते थे, ये इंडिया गरीबी रेखा से कब ऊपर आएगा, कब ऊपर आएगा। और मम्मा, माँ, माँ इतनी लड़ती थी माँ, एक दिन भैंस के मुंह से झाग निकल रही थी, उससे जाके लड़ पड़ी, कहती सालिये हमारे घर का टूथपेस्ट यूज करती है, भैंस ने उसको उड़ा दिया, तब से भैंस को माँ कहते हैं, उसी का दूध पी के बड़े हुए हैं। Oh, how sad. हाँ, miss too. With regards. Oh, thank you. तुम मुझे बताओ या अपने कल्चर के बारे में बताओ, मेरे के बारे में बताओ। कल्चर कल्चर या कल्चर मतलब यस कल्चर इज अ मेला। मेला? या मेले में क्या होता है? मेले में दो भाई बिछड़ जाता है। ओ, बिछड़ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कमाल करिए, ये तो असली मेला है। एक मेला फिल्म बनी थी, उसके बाद दो सगे भाई बिछड़ गए थे। तू असली मेले की बात कर रही है? या मेला। और क्या होता है वो क्या है? ये दिस इज यस यस ये दिस इज ब्रायन लारा का बच्चा इधर झूले लेने आया है। Oh, nice. Yeah, yeah, yeah. ये क्या है? This is our traditional game of our children. Doctor, doctor. ये घर-घर के बाद खेलते हैं। और अभी-अभी 60 सेट इसके हमारे शेखर जी ने बुक किया है। Oh, you mean Shekhar Cement? Yeah, Shekhar Cement, cement ring. उन्होंने हमको रात को डिनर पे बुलाया है। तो आज रात को ये बीमार होने वाली है, बताया ही नहीं आपने। इधर आओ, ये देखो, ये मेला में साड़ी। ओ साड़ी? यस। ओ मैं भी पहनेगा, आई लाइक साड़ी। यू लाइक बट ही डज नॉट लाइक। तुम नहीं पहनेगा, दफा हो जाओ, कम ऑन इधर। ये मेला तो साल में एक बार लगता है, हमारा कॉमेडी सर्कस भी मेला, यू नो, वो हफ्ते में दो बार लगता है। ये सब लोग दुकान सजाता है उसमें। ये क्या बेचती है? ये बेचती नहीं, ये बेचती है, उसके पैसे लेती है। बेचती के पैसे? या वो क्या बेचता है? ये कुछ नहीं बेचता है, हम इसको बेच के पैसे कमाता है। और वो वहाँ पे दो जो बैठे हैं, वो उनकी तरफ कम देखो। हाँ, जैसे असली मेला में एक कबूतर होता है, पैरेट, नो, वो दूसरों का फ्यूचर निकालता है, आपको हवा में उड़ाता है। ये भी हमारा यहाँ का दो कबूतर है, हमारा फ्यूचर बताता है, अगर एक अच्छा है तो हवा में उड़ाता है, गंदा है तो शो से उड़ाता है। अभी तुम हमको बताने का कि आप हमको हवा में उड़ाएगा या हवा में उड़ाएगा? तो अर्चना जी, कैसी रही सेमीफाइनल की शुरुआत? बहुत बढ़िया है, आप सबको, दर्शकों को भी और हमारे कॉमेडी सर्कस के जोड़ियों को सेमीफाइनल मुबारक, और सबसे ज्यादा मुबारक राजीव और काम्या आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया शुरुआत किया आपने, वंडरफुल एक्ट, सुपर, वेरी स्वीट जोक्स, वेरी नाइसली एक्टेड राजीव। I really hope that you reach the finals and you win, Rajiv, because बहुत मेहनत करते हैं आप, बहुत sincerity है, बहुत dedication और devotion है अपने craft के लिए। You've got a wonderful partner, Kamya. And Kamya, you are looking like Angelina Jolie right now, Pamela Anderson नहीं। The act was well written, but even better performed. So wonderfully done. Thank you, Shekhar ji. I think ये एक धुआंधार शुरुआत है semi-final की, जो शुरुआत, जो आगाज होनी चाहिए थी। शुरुआत मुझे थोड़ी, पता नहीं क्यों, थोड़ी लड़खड़ाई सी लग रही थी, पर बाद में आते आते जब ये पैमेला बन के आई, उसके बाद जो मज़ा आया है दोस्त, खामोश, बहुत बहुत अच्छा उसके बाद आपने किया। और पैमेला के रोल में आप इतना सूट कर रही हैं कि मतलब यू कैन पास ऑफ एज पैमेला, यू कैन पास ऑफ एज एंजेलिना, यू कैन पास ऑफ एज एनी वन, एज सेक्सी। एंड राजीव, आप बुलंदी के उस कगार पे हैं जो आपको बिल्कुल फाइनल तक ले जाएगी, और इस बार हम सब, वी गोना कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू, बिकॉज यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट
डिलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एक्टर्स एंड परफॉर्मर ऑन दिस स्टेज. आपने आप में बहुत डेफिनेटिव ग्रोथ जो मुझे दिखाई दी है शुरू से, मैं कहता हूँ आपके लिए एक बार फिर कह रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप फाइनल तक पहुँचें और जीत के जाएँ खिताब इंशाल्लाह. चलिए सेमी फाइनल स्कोर. अर्चना जी, इन मार्क्स में उम्मीद है ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स की. आपको मिलते हैं 9 points. थैंक यू. शेखर जी, कैमरा पहले दिखाओ तोता कैसे उड़ाता है. फैंटास्टिक. ये लो. 9 points again. अस्थियां विसर्जित तो लड़कियां पटाना नहीं है उचित, लेकिन ये कपिल को कौन समझाए. दादा की अस्थियों को कुंड में डालने आया है कपिल, लेकिन अपने दिल को डाल रहा है मुक्ति के कदमों में. प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. पोते की दुआएं लेती जा, जा तुझको स्वर्ग का द्वार मिले. पोते की दुआएं लेती जा. शेखर जी, मेरी दादी मर गई. आज मैं इस नदी में उसकी अस्थियां बहाने आया हूँ. मेरी दादी हमेशा कहती थी कोई भी काम करने से पहले दही खा लेना. मैं थोड़ा सा दही खा लूँ. एक्चुअली अस्थियाँ मेरी दादी की इसमें हैं. आप सोच रहे होंगे छोटी सी, मेरी दादी स्लिम ट्रिम थी ना. अर्चना तुम्हें पता है मेरी दादी को मरे 10 दिन हो गए. एक्चुअली हुए 20 दिन है, इसलिए 10 कम बता रहा हूँ कि उम्र जबाने की बड़ी आदत थी. मैं भी किन बातों में पड़ गया. खैर शेखर जी, अभी देखना मेरी दादी की अस्थियाँ कितनी तेज तैरती हैं. पता क्यों? मेरी दादी बहुत बड़ी तैराक थी. भाई साहब एक्सक्यूज मी, भाई साहब एक बार जरा माफी कीजिए. मैं पहले इतना इमोशनल हूँ, अभी अभी मेरी दादी मरी, ऊपर से मेरे को भाई साहब बोल रही है. इतना इमोशनल पहले मेरे को पता है, मैं अपनी दादी के मरने से 2 दिन पहले से रो रहा हूँ. मरने से 2 दिन पहले? हाँ, वो तिजोरी की चाबी कहाँ रखी बता नहीं रही थी, बिना बताए मर गई. तो आप यहाँ अस्थियाँ विसर्जित करने आए हैं? अच्छा, अच्छा. नहीं, 100 मीटर की कॉम्पिटिशन हो रही स्विमिंग की, उसमें आया हूँ. नजर नहीं आता तेरे को अस्थियाँ बहाने आया. ना पकाओ इंसान है. चलो मैं अस्थियाँ विसर्जित कर देती हूँ. हेलो, ये क्या कर रही हो? मैं अपनी दादी जी की अस्थियां विसर्जित कर रही हूँ. तो थोड़ा आगे जाके करो, उधर जाके करो. क्यों? मेरी दादी को 11 मर्द ज्यादा पसंद नहीं थे, उधर जाके करो. मतलब? मेरा मतलब कहने का, यहाँ पे सिर्फ 2 ही घंटे पानी आता है, 8 से 10, जल्दी जल्दी करो. अबे ये नदी है, नल थोड़ा है, 24 घंटे पानी आता है यहाँ पे. मेरे को क्या पता, मेरी तो पहली बार दादी मरी है. एक बात बताओ, हाँ जी, तुम कहाँ से आई हो? जी मुंबई से. अरे बेवकूफ, उधर इतना बड़ा समंदर है, उधर क्यों नहीं बहाती, इतनी दूर क्यों आई हो? जी रिवाज के मुताबिक नदी में ही अस्थियां बहाई जाती है ना. स्टूपिड गर्ल, देख नदी को जाके भी तो समंदर में मिलना आता है. मिलना कि नहीं मिलना? अब देखना 4 दिन बाद बुड्ढा उधर ही मिलेगा तुम्हें. शट अप. अच्छा तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो? मैं भी वहीं से जहाँ से तुम आई हो. मुंबई से? कहाँ से? मुंबई से ना. अच्छा तुम शहर पूछ रही थी. मुझे लगा स्टेट. मैं महाराष्ट्र से आया. चलो जल्दी जल्दी आओ, साथ में अस्थियां विसर्जन करते हैं. आज आओ. साथ में क्यों? नहीं मतलब दोनों को कंपनी मिल जाएगी और हमारा भी थोड़ा सा गड्ढा आ जाएगा. यहाँ तालाब में गड्ढा कैसे आ गया? हाँ तालाब तो बनता ही गड्ढे में, गड्ढा होता फिर पानी आता फिर तालाब बनता. तेरे कौन से बाप ने पहाड़ी पे तालाब बना दिया? चला जल्दी जल्दी विसर्जन साथ में करते हैं. साथ आजा में क्यों? अभी तो कहते मेरी दादी गैर मर जाके मुंह नहीं लगती. और नहीं वैसे मतलब ज्यादा नहीं करती थी, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप कर लेती थी. आजा साथ में बातें. अच्छा ठीक है. ये क्या तुम्हारी दादी की डेथ हुई ना, मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो गया. क्यों? राख देखो ठंडी हो गई है. तो राख है ठंडी होगी, राखी थोड़ी 24 घंटे हॉट रहेगी. आजा आजा. तुम्हारी दादी की ऐसे डेथ कैसे हुई? मेरी दादी का कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था. ओहो, कार के नीचे आकर? नहीं नहीं कार के नीचे नहीं,
कार के साथ टकराई, उन्होंने नई नई कार ली थी, कार में डेंट पड़ गया, मालिक को इतना गुस्सा आया बाहर आके दो थप्पड़ मारे उसने, दो थप्पड़ मारे फिर गोली मारी, दादी मर गई। वो तो गोली से मर गई, गोली से मर गई ना दादी? नहीं गोली से नहीं, मर तो थप्पड़ से ही गई थी, गोली वेस्ट गई। एक बात बताओ, तुम्हारा दादा कैसे टपका, बीमार था कि मतलब बीमार था कि रूटीन डेथ हुई? जी दादा ना बहुत ही बीमार रहते थे। अच्छा, बस फिर एक दिन ट्रक के नीचे आकर मर गए। बेवकूफ तेरा दादा, जब इतनी सारी बीमारियां थी, बीमारियां क्यों वेस्ट की, ट्रक के नीचे क्यों आया? अरे काम करते हैं दोनों, ऐसा कर अपने दादा की अस्थियां इतनी सी तो हैं, ऐसा कर इसी में डाल दे, दोनों को जाना तो एक ही जगह, बातें करते निकल जाएंगे। बकवास बंद करो, जल्दी करो जल्दी, अंधेरा होने वाला है, देख रहे हो आप? अंधेरा आ रहा था, इन्होंने कौन सा ड्राइव करके जाना है, डाल दे। हो चलो अस्थिया भाव। क्या करो, कितनी धीरे धीरे कर रहे हो, स्नान नहीं करना तुम्हें? क्या करना है? स्नान करना है, थोड़ा जल्दी करो यार, मैंने तो कर भी लिया। मैंने सुना था बॉम्बे की लड़कियां बड़ी फ्रैंक होती, लेकिन पहली मीटिंग में स्नान? अबे मैं तेरे साथ स्नान करने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग घाट बने होते हैं स्नान करने के लिए। सबके सामने स्नान करूँ? हाँ? मैं नहीं करना स्नान सबके सामने, मेरे को शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है? क्या कि मैं तो घर में भी किचन में नहाता हूँ, पता है, मैं नहीं सबके सामने नहाता। किचन में नहाते हो? हाँ, किसी को शक नहीं ना पड़ता। और नहाते नहाते मैं दो चार चपातियां भी बना लेता हूँ, बैचलर हूँ ना, मेरे को नहीं नहाना इधर ठंडे पानी में। किस बात की शर्म, मुझे लड़की हो के मैं शर्म नहीं कर रही, तुम्हें क्या शर्म है? अरे पानी देखो ना कितना ठंडा, देख कितना ठंडा पानी, मछलियां भी स्वेटर पहन के घूम रही है। काम कर, पहले पानी में तू उतर। मैं क्यों उतरू? तू उतर। अरे तू हॉट है ना, पानी गर्म हो जाएगा। बकवास बंद कर, तू जा पहले, चल तू उधर स्नान करेगा, मैं इधर कर रही हूँ। शेखर जी आंखें बंद ना करना, ऐसे सीन रोज रोज नहीं क्रिएट किए जाते। शेखर यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुंभ के मेले में तो बच्चे खो जाते हैं ना, तुम नहाना शुरू तो करो, ये बच्चा ऐसा खो जाएगा ना तेरे को पता भी नहीं चलेगा। What is she doing? Hello? हाँ जी, ये क्या कर रही हो? जी मैं अपना सामान निकाल रही हूँ। ये तो खाली डिब्बा है। ये खाली डिब्बा है? बकवास करते हो, ये सारा सामान लाई हूँ इसमें। हेलो। हाँ जी, ये क्या है? ये मेरा बॉडी लोशन, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, सोप भी है मेरे पास। इतना सारा सामान तेरा दादा मरा कि तेरी रिंग सेरेमनी है, स्पा में आई तू? बकवास मत करो, नहाओ चलो चुपचाप। एक्सक्यूज मी क्या है? मेरे को सांस नहीं आ रही, क्या करूं? सांस कैसे आएगी, नाक तो छोड़ पहले। अरे वाह, तुम तो डॉक्टर निकली। डॉक्टर? पागल। खतरे के निशान के आगे ना जाएं। अरे मैं इतनी देर से खतरे के आगे नहा रहा था। हेलो। हाँ जी। इधर आ जा, इधर खतरा है। अबे गधे, उल्टी बात कर रहे हैं, घंटी के उस पार खतरा, इधर खतरा नहीं है। चल ऐसे ही करेगा ना तो कल तेरा विसर्जन जाएगा, बेवकूफ। तो इसमें क्या है, खतरे का निशान थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं। देखा? अरे आप पागलों के और आगे क्यों जा रहे हो, इस नदी में इतने बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आपको पता है? अच्छा कोई बात नहीं, आज शनिवार है, वैसे भी शनिवार मंगलवार को मछलियों से दूर रहता हूँ मैं। जा मर जा। हेलो, वापस आ गया, क्या है? साबुन है तुम्हारे पास? हाँ है, क्यों? थोड़ा सा पीठ पे लगा दो, हाथ नहीं जा रहा। Shut up! Oh my God! मैं कच्छा लाना तो भूल ही गया। Oh God! सिर्फ नाड़ा ही लेके आया हूँ। Excuse me! तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टॉवल है? शर्म नहीं आती तुम्हें, बदतमीज कहीं के? नहीं देना तो ना दे, मेरा क्या है, मैं नाड़े का ही कच्चा बना लूंगा। नाड़े का कच्चा? नाड़े से कैसे कच्चा? हेलो। हाँ जी, इधर देख।
इतना बेशर्म है ना, छी। मैं बेशर्म हूँ, मेरे रोज से बेशर्म बदतमीज कर रही, तू बड़े अच्छे खानदान से आई है। उधर देख तेरा दादा क्या कर रहा है साला बदतमीज। इतनी बड़ी नदी है, मेरी दादी के साथ चिपक चिपक के तैर रहा है, उसे गोलू करा क्या। तेरी दादी कौन सी कम है, आई बड़ी आग लगी हुई बुढ़िया को, देख रहे कैसे मटक मटक के जा रही है। तो मटके में जा रही, मटक मटक के जाएगी वो। आग तो तेरे दादे को लगी, साले को पानी में भी आग लगी बुढ़े को। देखो ना, छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बड़ा बचाओ बचाओ प्लीज बचाओ। क्या हो गया? मगरमच्छ भी है। मगरमच्छ है, तू तो डॉक्टर थी, लगा इसको बेहोशी का इंजेक्शन। डॉक्टर? इसके मुंह पे तौलिया डाल के दो थप्पड़ मार इसको। ऐसा कर, पुलिस वालों को बताया क्यों, जेंट्स कैसे आ गए इधर? सच्ची में गड्ढा है तो बचाने भी नहीं आ रहा है। अरे मैं कैसे आऊंगी इधर, मेरे कानों में छेद है, इधर आऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा ना। तो कान बंद कर आ जा मेरे बाप, एक सेकंड में आता हूँ अभी। एक सेकंड, हाथ दे इधर, हाथ दे बाहर आ जा। बच गई? हाँ जी, मैं बच गई हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तेरे लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरी से गलती हो गई है। क्या हो गया? दादी इधर ही रह गई, दही बहा दिया मैंने उधर। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, तो अभी बहा देते हैं। दादी को तो बहा दूंगा, दही कहाँ से लाऊंगा 40 रुपए किलो में मेरा। ओह माय गॉड, अर्चना जी प्लीज, इससे पहले ये मेरे दिमाग की दही करे, आप करो कमेंट्स। अर्चना जी कैसा लगा ये अस्थि विसर्जन? ये एक ऐसा एक्ट था जैसे कि एक आजकल मल्टीप्लेक्स की फिल्म होती है, छोटी सी, 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक था, बहुत डिफरेंट था। आई थिंक इन द बिगिनिंग हल्की सी हिचकी आई थी, लेकिन बीच में इट वॉज वंडरफुल, आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ। फिर थोड़ा सा एंड में हल्का सा डिप आया, जैसे कि आपने डुबकी लगाई, इसमें तो हल्की सी डुबकी आपके एक्ट ने भी ली, लेकिन दिस वाज अ वेरी गुड एक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन, सो ऑल इन ऑल आई रियली एंजॉय। थैंक यू मैम। थैंक यू शेखर जी। ये एक्ट मुझे बहुत ज़्यादा लंबा लगा, बड़ी एक लंबी कहानी जो हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ रही थी। ह्यूमर कहीं कहीं बहुत बिल्कुल प्रवाह से आता था और कहीं बिल्कुल सूख जाता था। आई लाइक द स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट अच्छा था, बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं था, पर अभी और आगे एक्ट्स बाकी हैं और मुझे, मैं दुआ करूंगा कि आपकी नीतीश कुमार की तरह जैसे बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री हो, वैसे आप लोगों की हो। आई एम श्योर दे विल मेक अप फॉर इट टुमारो। अब बारी है स्कॉर्स की। शेखर जी, आपको मिलते हैं 9 पॉइंट। थैंक यू सर। थैंक यू। अर्चना जी, 9 points again. मेलों में अक्सर लोग आते हैं, खो जाते हैं। हमारा प्यारा गोलू भी खो गया है अपने पापा से और अब बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं नहीं, गोलू नहीं, ओहो उसके पापा भी नहीं, परेशान है वो इंसान जिससे गोलू मिला है। Please welcome Bharti as Golu and Abhishek as various characters. सांस चढ़ती है भाई। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आज पूरा दिन आराम से घर पे बैठ के मैच देखूंगा। पहले टीवी का वॉल्यूम धीरा कर दूं, कहीं ये गोलू जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। गोलू जाग गया पापा। पापा जी क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? तो शोर मचाने के लिए रात का इंतजार करूं? अरे मेरे को गोदी ले लो। हट, हट, पागल हो गया, गोदी लूं? इसको गोदी ले लेकर मेरी हाइट कम हो गई। पाजी, मेरे को भूख लगी है। भूख लगी है, खाने के पहले सुबह सुबह पहले ब्रश किया जाता है। भूख के मारे मैं ब्रश खा गया। तू ब्रश खा गया? लोगों के बच्चे पेस्ट खाते हैं, तू ब्रश खा गया? पेस्ट खत्म हो गई थी। देखो
इतना वीक हो गया हूँ, मारा भी ढंग से नहीं जा रहा। चल अपनी बकवास बंद कर, अपनी माँ के पास जा। चल मम्मा तो छत पे कपड़े उतार रही है। क्या? छत पर कपड़े उतार रही है? सूखे हुए। सोंगा डरा दिया, सूखे हुए, मैं इधर सूखा जा रहा था। और डायलॉग पूरा क्यों नहीं बोलता है? मुझे कह रहा है जो आधी स्क्रिप्ट खा जाता है। तेरी बकवास बंद कर और चल जा। मैं आप भी चलो। मैं कहाँ चलूँ? मेरे साथ। कहाँ? सड़क के उधर बाहर मेला लगा है डैडी। चलो। मैं नहीं जा रहा मेला। मैं चल रहा डैडी। छट, हो क्या रहा आजकल? जिसे देखो किसी को मेला देखना है, किसी को पमेला देखना है। क्यों शेखर जी? मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, अकेले जा। नहीं पापा, अगर मैं खो गया तो? हाय बाजी। टडडडन, खो गया, यही मौका इसे छुटकारा पाने का। अरे मेरा बच्चा, आला लाला। हाँ, मैं तुझे कैसे खोने दूंगा? मेरे रहते तुझे खोने कोई नहीं देगा। चल मैं तुझे मेला लेके चलता हूँ। चलो डैडी। ओ कितना बड़ा मेला। बल्ले बल्ले, गड्ढा देना जाड़ दी, गड़ीले देना जाड़ दी, गड्ढा देना जाड़ दी, गड़ीले देना जाड़ दी, छड़ियाँ दे डब्बू दे डब्बू जाड़ दी, बोलो तारा तारा, बोलो तारा तारा, गंजी निरोल करे दी, बोलो तारा तारा। ओए डैडी, कितने सारे क्लोने, क्लोनों में कितना बड़ा लड्डा, I mean लड्डू। डैडी जी, हाँ, घुमा, निशान लगा। ओए, क्या कर रहा है? गुब्बारों पर निशाने लगाते हैं। डैडी वो देखो, कितने बड़े पिंजरे में बंदर। बेटा, वो नहीं है बंदर, वो है सुरिंदर। इसी की एक्टिंग कर करके आजकल लोग 10-10 नंबर लेकर आते हैं। डैडी, हाँ, आ जाओ नीता की पप्पी लेकर आए। ये पप्पी देगी? ले, कल चंपा जी ने दे दी थी, ये क्या चीज है? चल 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 बेटा। बच्चा है तो। ओए, मैं आपको तो मम्मी नहीं देती, ये तो फिर भी बदसूरत है। ओए, ये घर की बातें हैं, बाहर वालों के सामने नहीं बोलते हैं। बाहर वालों के सामने? कौन बाहर वाला? शेखर अंकल। आपसे ज्यादा तो शेखर अंकल हमारे घर रहते हैं। क्या? शेखर जी आप? या! नंबर काट लेंगे। डैडी, हाँ? मर को ना मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना है। बेटा तू सिर्फ मोटरसाइकिल चला, मौत के कुआं अपने आप बन जाना है। डैडी। बेटा जाने का समय हो गया, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे 2 नंबर आई है। 2 नंबर? आज बाहर क्यों जा रहे हो? इतने एपिसोड जो यहीं पे कर रहे हो। बकवास बंद कर तेरी। मेरे कहने का मतलब है मुझे हल्का होके आना है। डैडी मेरे को भी आई हल्का होना है। तो ऐसा करो, मेरा वाला भी आप ले जाओ, ठीक है? जी जी। लेकिन पहले करना, मेरे को बहुत जोर से लग रही है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम यही रुकना, कहीं मत जाना। ठीक है डैडी जी, मिल गया छुटकारा। हाय, कितना बड़ा मेला, मेला। ले, ये कैसा क्लास है? खोल लीजो। अर्चना आंटी, इधर बैठ के ऐसे कर रही हो, मेले में क्यों नहीं आई? एक सच्ची बात बताऊं, ये आंटी ना भी इस बदल के मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती है। चला सकती है अभी, जो 3 साल से इतना बड़ा शो चला रही है, मोटरसाइकिल क्या चीज है? केला हो गया हूँ। पापा जी, पापा, मेरे पापा कहाँ चले गए? आई पापा, कहीं से आई? मैं अकेला हूँ डैडी। भाई साहब, डैडी डैडी नहीं, बेटा बेटा बुलाई है। मैं डैडी नहीं, मैं ही बेटा हूँ। अंकल, मेरे डैडी खो गए। नहीं नहीं बेटा, मेले में डैडी नहीं खोते, बच्चे खोते हैं। बच्चे कैसे खो सकते हैं? मैं तो आपके सामने हूँ, डैडी है इधर। नहीं ना, तो फिर डैडी खो गए। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, मैं हूँ,
आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, कहीं मेरे डैडी को कुछ हो गया तो। कितना मासूम बच्चा है, कितना भोला है, है? भोले भोले गल। क्या बच्चा बच्चा क्या कह रहा, तुझको बेटा बेटा, अरे बेटा, नहीं नहीं बेटा बेटा बेटा, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप 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 चुप, नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, चुप चुप चुप, रोते नहीं, नहीं नहीं बेटा चुप, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे डैडी को। हाँ मैं। आप कौन हो? बेटा मैं खोया पाया विभाग से हूँ, जब मेले में चीजें खो जाती ना, उन्हें मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। सच्ची? हाँ। मेरी अठन्नी खो गई है, ढूंढ दो। हम अठन्नी जैसी छोटी चीजें नहीं ढूंढते। अंकल जी, छोटी चीजें ही ढूंढते हैं, बड़ी चीजें तो सामने बड़ी नजर आ जाती है। मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ सकता हूँ, मैंने मेले में बहुत सारे पापा को ढूंढा है। अंकल आप तो मेरी मम्मी की तरह बातें कर रहे हो, मेरे मम्मी भी बाकियों के डैडी बड़े ढूंढते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहाँ मिलेंगी वो? अंकल वाह, बड़ा खतरनाक बच्चा है। मम्मी डैडी, तू परेशान मत। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पापा को, मैं ढूंढ के लाऊंगा। हाँ। नहीं अपनी चाहिए। क्यों? मम्मी डैडी बड़े गंदे होते हैं। अच्छा तो तुम्हें दूसरे मम्मी डैडी चलेंगे, अच्छे नए थोड़े बेटर वाले। कौन से? अब वो देखो, राजीव और काम्या। ची, राजीव अंकल कितना पकाते हैं। अच्छा। और काम्या प्लास्टिक की मम्मी। कोई बात नहीं, और ऑप्शन है, वो देखो कपिल और मुक्ति। वो आजकल अपनी लाइनें भूल रहे हैं, कल को मेरे को भूल गए तो मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो देखो मनीष और निगम अंकल। मनीष और निगम? ची, ये तो पहले से ही दोनों पापा हैं। नहीं बेटा, आपको पता नहीं है, निगम अंकल जब मम्मी बनते हैं ना, आपकी मम्मी से भी ज्यादा बुरी वाली मम्मी लगते हैं। ची, मेरे को नहीं है चाहिए कोई और। अच्छा ठीक है, कुछ सोच नहीं, उधर नहीं बेटा, अब एक ही ले दे के ऑप्शन बचा है अपने पास, इन्हीं को अपना माई बाप बना लो। नहीं चलेंगे बेटा, आखिरी ऑप्शन है ये दोनों। कहते हैं मुसीबत में को भी बाप कहना पड़ता है। ठीक है मम्मा डैडी, गोदी ले लो। अर्चना जी क्या कहेंगी गोलू के बारे में? ढैचू ढैचू। अब बना ही दिया है हमें, हम गधों को बाप। यू नो, आपका ये गोलू का कैरेक्टर बहुत ही अब सुप्रसिद्ध हो गया है, जब भी आप करती हो भारती बहुत हिट होता है। इसकी हाईलाइट थी वो क्या था वो? My God, that was underlined the whole act. इस बार अभिषेक, of course, आपने जो पहला, इससे पहला वाला character जो पापा का क्या था, beautifully you did it. और इसमें जो जादू था इस character में, oh, that was one of the best I've seen. Fantastic, amazing. You're really becoming even better than before. Very well done, Bharti. As always, you're wonderful. और Golu तो my baby, I want to take you home. Shekhar जी, cannot imagine you as Bharti now. And Abhishek, you were also very good in both the characters. वो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आप उन्हें घुसा मारे और वो मुझे जादू करके दिखाएं जो आप, दोबारा हो सकता है? हाँ जी। हाँ जी। पापा। Oh, ठीक तो कर दे। That was so amazing, so amazing, and congratulations once again to Vasant, जिसने ये execute किया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, Vasant, a fantastic trick.
And Bharti, what I like about you is आप इतनी तन्मयता के साथ ये करती हैं. You are so confident. आप जब स्टेज पे उतरती हैं तो पूरा स्टेज जैसे आप अपना घर बना लेती हैं. You appear as one of the mostest, probably the most confident actors I have seen. बहुत 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 जबरदस्त करती है. I am, you know, so thankful to Comedy Circus and so grateful to all of you that हम सबको आपके जैसे performers हैं देखने को मिले. और आज का भी semi-final में ये is going to be one of your landmark and memorable performances. Hats off to both of you. Thank you, sir. Thank you so much. Semi-finalists के लिए scores. Archana ji. Golu for you. 9 points. शेखर जी, आपको मिलते हैं 10 points. जोरदार तालियां भारती और अभिषेक के लिए. मेला यानी मस्ती, धूम धमाल, जोकर, झूले और स्टॉल. कोई हंसा, कोई रोया, कुछ पाया, कुछ खोया. बताने मेले का पूरा हाल आ रहे हैं राजीव निगम एंड मनीष पाल. जय जय शहबीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. मेला यानी मस्ती, धूम धमाल, जोकर, झूले और स्टॉल. कोई हंसा, कोई रोया, कुछ पाया, कुछ खोया. बताने मेले का पूरा हाल आ रहे हैं राजीव निगम एंड मनीष पाल. जय जय शहबीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. शेखर जी प्रणाम. अर्चना जी प्रणाम. प्रणाम. ये देश भाई बड़ा कमाल का है. कमाल का क्यों ना हो, क्योंकि यही वो देश है जहाँ पर हर प्रदेश में, हर गांव में, हर शहर में तरह तरह के मेले लगते हैं. भाई वो मेला मेला ही क्या जिसमें बच्चे खोए ना. वैसे भी आजकल जितने बच्चे पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा तो खो रहे हैं. लड़के पैदा होने के बाद खोते हैं और लड़कियां तो पैदा होने के पहले ही खो जाती हैं. वाह वाह. भाई ये कमाल का मेला है और मैं इस मेले का मैनेजर हूँ. भाई इस मेले के लिए मैंने एक जोकर रखा है जो लोगों को अंदर बुला बुला करके लाएगा और मेले को जमाएगा. लेकिन हला अभी तक आया नहीं. अबे जोकर. कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना. कहता है जोकर. वैसे कहते हैं वो जवानी जवानी ही क्या जिसमें ठोकर ना हो, और वो मेला मेला ही क्या जिसमें जोकर ना हो. वाह 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 वाह. अबे अपना पंजा नीचे कर ले. 4 सीटें मिली बिहार में, शर्म नहीं आती पंजा ऊपर करके घूम रहा है. अबे तू ये बता साले इतनी देर से क्यों आ रहा, कहां था इतनी देर तक. अबे हल्का होने गया था. हल्का होने गया था, उसमें 2 घंटे लगते हैं. अबे उसमें तो 2 मिनट लगते हैं. कॉस्ट्यूम देखे, वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए. 24 घंटे इसी कॉस्ट्यूम में रहता है. शादी के 9 साल हो गए, इसी चक्कर में बच्चे नहीं हो रहे इसके. अबे साले कल से इस कॉस्ट्यूम में नहीं आएगा तू, बगैर कॉस्ट्यूम के आएगा. ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर मेला अंदर नहीं, मेला बाहर ही लगेगा. कहता है जोकर. अबे चुप, फालतू बात करता है, जबान लड़ाता है मुझसे. अबे फालतू बात ना करूं तो क्या करूं. 3 साल से इसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ. 3 साल में लोगों को मिलती है तरक्की, बोनस, प्रोविडेंट फंड. तेरे यहाँ काम करके मुझे क्या मिला, गधे का जीवन. चाहे तेरे को बोला था मैंने गेट के बाहर खड़ा रहे. जहाँ मन करता खड़ा कर देते हैं. साला कंफ्यूज हो गया, जोकर हूँ, वॉचमैन हूँ. अबे साले फालतू बात मत किया कर, गेट के बाहर खड़ा रहेगा, लोगों को अंदर बुलाएगा, तभी तो मेला जमेगा अपना. मेला जमेगा अबे घनचक्कर. 20 साल से वही थकेला मेला चल रहा है. कुछ नया लगवा ले. मैं कह रहा हूँ एक काम कर, कोई नई मशीनें लगवा, कोई बोलिंग शोलिंग, कोई स्नूकर. स्नूकर है, स्नूकर होगा, अर्चना भी आएगी, वहाँ आएगी और स्नूकर घचा घच घचा घच घचा घच खेलेगी. कमाल कर रहा है यार. तूने देखा पेंट पूंट उतर गया, दीवारें खराब हो गई हैं. अबे तंबू नए लगवा ले, फट रहे.
रहे हैं। अबे तंबू में क्या एशियन पेंट लगवा दूं या रेमंड का तंबू बनवा दूं मैं? ये सब छोड़, तेरा वो जो सारा तंबूरा है नौटंकी शौटंकी सब पुरानी हो गई है। वो 20 साल पुरानी तेरी वो कौन है? मुन्नी। मुन्नी और वो थोड़ी थोड़ी देर में कहेगी, हाँ नौटंकी वाली हूँ और यहाँ पे भेजा है नाई कल्लू ने एक 5 रुपए का इनाम, मैं उनको करना चाहती हूँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अबे धन्यवाद इतना उछलती है, इतना तो सेंसेक्स नहीं उछलता। अबे मुन्नी जब इतना उछलती है तभी तो मेला जमता है, लोग अंदर आते हैं। शेखर जी एक बात बताओ यार, पुराने कारपेट एरिया वाला 2 बेडरूम हॉल किचन यू 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 करके उछल रहा है, अबे लोग क्या देखने आते हैं उसमें? शेखर जी से क्या पूछ रहे हो, वो भी आजकल मुक्ति और काम्या को छोड़ के भारती जैसे 3 BHK के पीछे लगे हुए हैं। इसका नाम भारती पता नहीं किसने रखा है? इसकी भौगोलिक स्थिति थी, इसका नाम भारत होना चाहिए। इसकी आंखें देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लगती है। इसका चेहरा देखो उत्तरांचल की पहाड़न लगती है। पंजाब से आई है, महाराष्ट्र में रहती है, पार्टनर इसका उत्तर प्रदेश का है, उसका मध्य प्रदेश देखो, इसका इसका मध्य प्रदेश देखो, ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ अभी तक अलग ही नहीं हुआ है। अबे यार तू एक बात बता, तू मेला दिखाने आया कि उसका भूगोल बताने आया? यार छोड़ दे उसको। अबे मेले में ऐसे ऐसे नमूने आते हैं तभी तो मेला जमता है। वे एक बात बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे क्यों नहीं देता? तनख्वाह नहीं दे रहा तू? सर 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 अर्चना देख रही है, ये है मेले का मालिक लेकिन हर के देश की सर्कस के मालिक वाली है। सर 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 चल पैसे दे पैसे पैसे। सर सर क्या लेंगे सर? चाय कॉफी सर क्या लेंगे? सर नहीं मैं आपके लिए चाय कॉफी भी जाता हूँ। पैसे दे दो सर, पैसे आपके लिए चाय कॉफी भी जाता हूँ। हर बार यही होता है, प्रॉमिस लेता है मेले का अगला सीजन कराऊंगा और पिछले वाला दबा लेता है, यही है इसका काम, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन मैं तो आगे सूरी बजा दे एक बार। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। वैसे कहते हैं यार ये जो सर्कस है ये है खेल 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन का, दूसरा घंटा जवानी का और तीसरा घंटा बुढ़ापा। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, खो गया? मैं नहीं खोया, मेरे मम्मी पापा खो गए। कोई बात नहीं, मुझे बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? कैसे हैं मम्मी पापा? पापा तो मेरा बड़ा कमीना है, मम्मी मस्त आइटम है। शर्म नहीं आती मम्मी पापा के बारे में ऐसी बातें करते हैं बदतमीज? अंकल मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जिस चाट के ठेले में मेरे मम्मी पापा खोए थे चाट वाला बोल रहा था आदमी बड़ा कमीना है, औरत बड़ी मस्त आइटम है। वो सब छोड़, चल छोड़, पापा का नाम बता। अंकल मेरे को पिटाई लगवाओगे क्या अंकल? अरे बेटे पिटाई की क्या बात है, नाम बता। एक बार मैंने घर में बोला था बे श्याम सुंदर सक्सेना इधर आ बे, साले ने बहुत मारा था मेरे को। तू ये सब छोड़ बेटे, ये बता अंकल, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपकी ये जो नोजी है ना, ये नोजी लाल लाल क्यों है? आपने तो बंदर को किच्ची किया था गलत जगह पे। अंकल 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 मेरे को फुग्गा दिलाओ ना अंकल। फुग्गा? हाँ फुग्गा जी बेटा। हाँ, ओ लो लो लो, ओ जी जी जी, ये ले बेटे, इतना काला कलूटा बच्चा किसका है? अंकल अंकल मेरे को भुर्र भुर्र वाली गाड़ी दिलाओ ना अंकल। बेटे ढंग से देख, मैं अंकल हूँ तेरे पापा नहीं हूँ, मारूंगा कान के नहीं। अंकल मेरे को गाड़ी दिलाओगे ना तो आज से आप ही मेरे पापा। वैसे भी जो खोया है वो मेरा कौन सा असली पापा था? कौन था? उसने मेरे को चिज्जी दिलाई थी, मैंने उसको पापा बोल दिया। तो असली पापा कौन है तेरा? अंकल अंकल उधर जो आंटी ने अभी चूड़ी पहना रही थी ना सबको। हाँ बड़ी अच्छी पहनाती है चूड़ी। हाँ उनको लेके झूला झुलाने गए। ओहो अंकल ये लौंडिया कौन है अंकल? तू मत एक बच्चा है तू। नहीं नहीं क्या है ना कि मेरे को भी झूला झूलने का मन हो रहा है। झूला झूलने का मन हो रहा है इधर आ। कितना छोटा है तू उम्र में पता है तुझे? अंकल स्कूल ड्रेस में हूँ इसके लिए छोटा लग रहा हूँ, छोटा नहीं हूँ मैं। उम्र क्या है तेरी? उम्र है मेरी 32 साल। 32 साल? साले लौंडा बना घूम रहा साले। ये मशीन है तेरे जैसे लौंडे ठीक। भाई साहब गलती हो गई यार, बेरोजगार आदमी यार। कुछ नहीं, इधर आ इधर आ इधर आ तू इधर आ, यहाँ ये देख। हाँ जूते उतार ले, सब आवाजें कर रहे हैं, चलो अंदर। हाँ। हल इधर खड़ा,
वेरी गुड, तैयार है बेटा? तैयार हूँ। चल इधर आ फिर। ये देख है, अब इसके अंदर बेटे खोपड़ी घुसा दे। घपा घप घचा घच, घपा घप घचा घच, ठीक है? चल आगे करे, चल आगे कर, अबे आगे कर। ओके, ये किया मैंने दरवाजा बंद। चल वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो एक काम करो, अब तुम एक एक करके अपने हाथ इन खड्डों में डाल दो, डाल दो। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब एक काम करो बेटा, एक एक करके अपना पैर खड्डे में डाल दो, एक एक करके। घबराओ नहीं, घबराओ मत। हाँ हाँ, पैर डालने में मुश्किल हो रही है, इसलिए कहा था रिहर्सल किया करो। आजा बेटे आजा। हाँ ठीक है, तैयार हो तुम? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इन कमबख्त बच्चों को ठीक करना मुझे आता है। तो बेटे अब जरा देखें तुम्हारा हाथ कितना खींच सकता है। अब देखता हूं तुम्हारा पैर कितना खींच सकता है। अब देखे तुम्हारा दूसरा पैर कितना खींच सकता है। ये मुंडी कुछ अजीब सी नहीं लग रही, अपने पैरों को करीब से देखना है। ये देख बेटे, आ चल चल चल। नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ जरा ऊपर करते हैं। आइए आइए ऊपर करते हैं थोड़ा। एक बार जोरदार तालियां। अब बजाओ हाँ बेटा, अब तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल तबीयत ठीक है। ठीक है, अब उसको मैं पास में बुलाता हूँ, उसको पास से देखो। इधर आओ सुंदरी, और इस तरफ आके खड़े हो जाओ। हर बार मार्क्स में इसलिए देना। अर्चना जी, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? शुरुआत बहुत अच्छी थी इस एक्ट की, बीच में थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन इस जादू ने फिर इस एक्ट को उठाया। दिस वॉज अ बिग जादू और बहुत मजेदार है ये, विजुअली वेरी इंटरेस्टिंग। शेखर जी, एक्ट की शुरुआत वाकई धुआंधार थी, लेकिन ह्यूमर कोशंट, ह्यूमर का एलिमेंट थोड़ा सा कम होता चला गया। काफ़ी एनर्जी आप मनीष जैसा करते आए हैं, यू नोन फॉर योर एनर्जी, यू नोन फॉर योर मैडनेस एंड कोकीनेस, यू डू दैट वेरी वेल। राजीव, आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत, शुरुआत ही आपने की बहुत सटीक बातों से की, बहुत असरदार थी वो बातें। कुल मिला के आई थिंक यू केप्ट द एनर्जी लेवल अप, और इट यू नो इट मेड फॉर अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। Fantastic. Thank you. अर्चना जी, स्कोर्स आपको मिलते हैं 8 points. शेखर जी, आपको
मिलते हैं 9 5.